जो भाई लकड़ियाँ काम स्टार्ट करना चाहते हैं उनको नहीं नॉलेज होती है क्या क्या औजार उनको लेना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूँ, अगर आप लकड़ियाँ काम स्टार्ट कर रहे हो तो आपको किन किन औजारों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ, स्टार्टिंग में किस किस औजार की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो में आप बने रहें और न्यू कारपेंटर भाई जो लकड़ियाँ काम स्टार्ट करना चाहते हैं वो इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल MZS वुडवर्क। आज की इस वीडियो में आप जानोगे जो भाई लकड़ियाँ काम स्टार्ट करना चाहते हैं किस किस औजार की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ये आपको दिख रहा होगा नीचे आपके ये औजार रखे हुए हैं, जानकारी दूंगा किस औजार का क्या नाम है, आप किस तरह से ले सकते हैं लकड़ियाँ काम को, किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहें, फिर तक प्रॉपर देखें। ये अपना एक स्टेप एक ये हो गया हमारा, दूसरे नंबर पर आपकी ये पेन और पेंसिल हो जाते हैं। हमारा ये हाथ का बना हुआ गुनिया है जिसका साइज 18 इंची है। लकड़ियाँ काम में जो मेन होता है हमारा पेचकस भी होता है, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा में सहायता पड़ती है। तो ये आपको ये पेचकस भी ले लेना है, ये 50-60 रुपए का आपको मिल जाता है, छोटा बड़ा आप दोनों पेचकस ले सकते हैं। ये आपका बिसोला हो गया, ये हमें चूल खोदने में काफ़ी ज़्यादा आसानी पड़ती है। उसके बाद ये हमारी हथौड़ी हो जाती है, आप एक भी हथौड़ी ले सकते हैं और दो भी हथौड़ी ले सकते हैं, अपने काम के अकॉर्डिंग आप औजार भी ले सकते हैं। तो ये हमारी बड्डी हो जाती है, वो ये फ्रेमों पर चूल की मार्किंग करते हैं, जैसे कि दरवाज़ा बनाते हैं और खिड़की के पल्ले बनाते हैं, तो उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है इससे हमें। तो ये हमारी मार्किंग अच्छे से कर देती है जो चूल वगैरह हम इसमें खोदते हैं। एक ये सबसे मेन इसमें लेवल का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी जगह को लेवल में चेक करके अगर काम होगा हमारा तो काम बिल्कुल गुनिये में ही चलेगा, और जब लेवल से हमारा काम होगा तो काम हमारा बिल्कुल सीधा चलेगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो लेवल का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आते हैं ये औजार होते हैं हमारा, ये आपकी निहानी होती है दो सूत वाली, उसमें दराज में लोक वगैरह लगाते हैं, लोक करने की जो वो होती है खूटी, उसकी खुदाई करने के लिए, जैसे कि कुछ हमें छोटे मोटे काम के लिए ये हमारी सहायता करती है। उसके बाद ये हमारा चोरसा आता है, ये चार सूत में होता है आपका, ये आपकी फरेमों में ये चूल खोदता है, जैसे कि आपके दरवाजे वगैरह के चूल और ये खिड़की के भी चूल, ये भी काफ़ी ज़्यादा हमारे काम में आता है। और ये हमारा निहान होता है, इसका साइज़ 1 इंच होता है, और जी 6 सूत और 5 सूत ये आप कितने भी सूत में ले सकते हैं। तो ये हमारा चौकटे विंडो में चूल खोदने में सहायता करता है, ये हमारे काफ़ी काम का औजार है। उसके बाद ये आती है हमारी चोरसी, तो ये चोरसी हमारे चूल की सफाई करने में काम आती है, और ये काफ़ी ज़्यादा लकड़ी के काम में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। उसके बाद में हमारी ये छेनी आती है, जैसे कि हमें किसी दरवाजे के हमें कब्जे उखाड़ने पड़ते हैं तो उसमें ये बहुत ज़्यादा सहायता करती है। अगर ये काम हम इसका चोरसी से करते हैं तो इससे हमारा चोरसी टूटने का भी खतरा बना रहता है। उसके बाद ये एक छेनी आती है, ये हमारी चोरसी की जैसी होती है, जैसे कि हमें कोई बारीक चीज़ तोड़नी है या कुछ करना है तो उसके लिए ये काम आती है। चोरसी हमारी इसकी धार बेकार हो जाती है अगर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे तो। उसके बाद ये ख़राब टेक है हमारी, और इसमें हमने ये कटमार लेना है आपको, इसमें हमने कटमार रखे हैं, इसमें हमारी आरी की जो बेल वगैरह होती है वो हम इससे कर देते हैं, जैसे कि आरी की बेल होती है। उसके बाद जो हमारा आता है ये हमारा एक कटर आता है जिससे हम सनमाइके की कटिंग करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में हमारा तिकोरा होता है, तो तिकोरा जो होता है ये हमारा ये आरी की धार लगाने में काफ़ी ज़्यादा हमारी सहायता करता है। और इसके बाद जो आता है ये हमारी काती होती है जिसमें मच्छर जाली लगा रहे हैं तो उसकी कटिंग करने में हमें काफ़ी ज़्यादा सहायता देती है, तो आपके पास ये काती भी होनी चाहिए। उसके बाद हम जम्बोड़ पाते हैं, तो बड़ा जम्बोड़ भी होना चाहिए आपके पास, जैसे कि कोई हेवी कील आप इससे काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास छोटा भी जम्बोड़ होना चाहिए, छोटी मोटी कीलें आप निकाल सकते हैं। ये जो हमारा होता है जम्बोड़, इससे हम कीलों की कटिंग करते हैं, क्योंकि इस वाले जम्बोड़ से इतनी आसानी से हम कील नहीं काट सकते, लेकिन ये जम्बोड़ हमारा काफ़ी आसानी से कील को काट देता है। और एक ही हमारे पास छोटा वाला जम्बोड़ है। उसके बाद ये हमारी पथरी है जिससे हम इन सभी औजारों पर सभी औजारों पर धार लगाते हैं। ये हमारा ये सोहन होता है, ये आपको दिख रहा होगा, इसमें ये देखिए आप इसमें बारीक बारीक के कांटे होते हैं, ये हमारी गोलाई वगैरह लकड़ी जो फालतू हो जाती है उसको घिसने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है, और लकड़ी का गोला बनाने में भी बहुत ज़्यादा सहायता करता है। उसके बाद में आ जाती है आपकी ये रेती, जैसे कि ये रेती भी हमारी काफ़ी ज़्यादा काम में आती है, इसका भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारी सनमाइका लगाने के बहुत ज़्यादा काम में आती है। इसके बिना जैसे कि अब हमारी सनमाइका हम फालतू तो काटते हैं तो इससे बिल्कुल हम उसे इकसार कर देते हैं, तो रेती का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारा आ गया बर्मा, ये बर्मा हाथ से चलता है, लेकिन अब तो ये इसका क्रेज़ नहीं रहा, अब ड्रिल मशीन से ही ज़्यादा काम होते हैं। ये मेरे पास रखा हुआ था तो इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको ये दिखा दिया। तो ये इससे कमानी से चलता है, इससे भी हम होल आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में ये हम लोहा काटने वाली एक आरी हो
ये आरी भी होनी चाहिए। इससे हम जैसे कि स्टील वगैरह के पाइप अलमारी में जो पाइप वगैरह लगाते हैं उसकी कटिंग आसानी से कर पाएँ। और एक ही हमारे पास बिलेट होना चाहिए, जो पुराने फर्नीचर में कीले वगैरह लगी होती हैं तो इसको काट के हम उस फर्नीचर को काफ़ी आसानी से उखाड़ सकते हैं। उसके बाद में ये हमारे पास आरी होनी चाहिए, आपको दिख रही है, ये आरी का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना भी काम अधूरा ही होता है। तो इसका भी आप एक आरी भी लें, इससे आप प्लाई वगैरह लकड़ी वगैरह सभी कुछ इससे काट सकते हैं। और एक आप ये छोटी आरी लें, ये भी हमारे काफ़ी ज़्यादा काम में आती है, गोलाई वगैरह काटने के काम में काफ़ी ज़्यादा आती है। उसके बाद में ये आपके पास बड्डी भी होनी चाहिए, इससे आप फिक्सिंग एक निशान लगाकर किसी भी चीज़ पर, चूल वगैरह पर, किसी भी चीज़ पर अपने अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं और इसमें कील अपने साइज से लगा सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें 2 कीलें लगा रखी हैं, इसी के आप इसमें 1 इंची की भी कील लगा सकते हैं और 2 इंची की भी मार्किंग कर सकते हैं। तो हमारी लकड़ी की बड्डी हो गई। उसके बाद जो हमारा आता है, ये एक हमारा रंधा आता है, जैसे कि गोलाई वगैरह होती है उसमें आपको ये काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। ये गोल लकड़ी पर आपको आसानी से आप इस पर रंधा मार सकते हैं। और एक ही हमारा ये छोटा वाला रंधा होता है लकड़ी का, ये हमारा छोटा वाला रंधा होता है, ये हमारी लकड़ी पर रंधे मारने काम में आता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प करता है काम में। और ये कि हमारा लोहे वाला रंधा होता है, ये लोहे वाला रंधा होता है, ये भी हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ जाएगी। तो सभी औजार आपके सामने हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या अपने दिमाग में भी जो मैंने आपको बताया है ये नोट कर सकते हैं। तो इन सभी औजारों से आप एक अच्छा लकड़ी का काम स्टार्ट कर पाओगे। अगर आप ये सभी औजार ले लोगे तो यह काम काफ़ी अच्छे से आप स्टार्ट कर पाओगे। अगर कोई भाई इसका बिसोले का जिस्ता डालना चाहते हैं, ये बिल्कुल फिक्स डलता है, इसको कैसे बनाया जाता है मैंने इसकी एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, ये आपको आई बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जो लकड़ी की बड्डी होती है मार्किंग करने वाली, इसको कैसे बनाया जाता है, तो ये प्लाई वाली बड्डी भी और ये लकड़ी वाली बड्डी को किस तरह से बनाया जाता है, इसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसकी जो गोलाई काटने वाली हमारी आरी होती है, इसकी धार कैसे लगाई जाती है, इसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं और एक अच्छे से धार लगाना सीख सकते हैं। उसके बाद जो बड़ी आरी होती है, इसकी धार को किस तरह से लगाया जाता है, इसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इन सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे। और ये जो हमारा सनमाइका काटने वाला कटर होता है, इसका भी आपको, अगर आपके पास ये पुराना कटर पड़ा है उसकी धार बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, फिर आप इस पर काफ़ी आसानी से धार लगा सकते हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपको ये आई बटन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप इस रंधे की टेक पर धार लगाना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी इस वीडियो को एक लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, इस चैनल को ये लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक कर लें। मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहेगी और जानकारी की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भाई लकड़ी का काम स्टार्ट करना चाहते हैं उनको नॉलेज हो जाए कि क्या क्या औजारों से, क्या क्या औजार लेकर वो काम को स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।